सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो उम्मीद है दोस्तों आप जो है खैरियत से होंगे एंड यहाँ पर हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, और इस स्मार्टफोन के फीचर्स ही कुछ ऐसे हैं कि जब हम इसके फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये स्मार्टफोन जो है आपको भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों जो नया स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में इन होने को जा रहा है, Realme 7 Pro। बेसिकली दोस्तों Realme का सेकंड डिवाइस है जो कि मुझे पर्सनली तौर पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि इससे पहले Realme का C3 था जो कि अपने बजट में मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद आया। उसकी वजह ये थी कि स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। एंड यहाँ पर दोस्तों अब Realme 7 Pro जो है काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च हो रहा है। इस डिवाइस के मेन फीचर्स ऐसे हैं जो कि आई थिंक किसी भी कंपनी ने या शायद फिर Realme ने जो है अभी तक कोई भी अपना ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया जिसमें इतने ज़्यादा फीचर्स हमें दिए गए हों। तो मेन फीचर्स की तरफ दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले जो इस स्मार्टफोन का मेन फीचर है 65 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का फीचर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, और Realme का ये कहना है कि हमारा जो Realme 7 Pro है वो विद इन 32 मिनट्स जो है फुली 100% जो है चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों Realme ने जो है फास्ट चार्जिंग के लिए सुपर डॉट की जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की है, और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है जो मेन फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है वो इसका फास्ट चार्जिंग है। दोस्तों फर्स्ट टाइम है Realme के किसी बजटेबल डिवाइस में हमें जो है सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। सुपर एमोलेड पैनल के साथ हमें बहुत सारे फायदे हैं स्मार्टफोन्स में। यहाँ पर दोस्तों सुपर एमोलेड पैनल के साथ आपको जो है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स भी जो है वो आपके स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऑलवेज डिस्प्ले ऑन का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल होने की वजह से जो फिंगरप्रिंट है वो इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सुपर एमोलेड पैनल जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को जो है सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है दिया गया है। ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी, ऑलवेज डिस्प्ले ऑन जैसा एक जबरदस्त किस्म का फीचर भी यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन का जो चिपसेट यहाँ पर फिट किया है, आई थिंक इस टाइम पर जो है 60 से 70 हज़ार रुपए के बजट में जो डिवाइसेस आ रहे हैं उनमें हमें ये चिपसेट देखने को मिल जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वीवो के एक डिवाइस में आपको वीवो V20 में आपको जो है स्नैपड्रैगन 720G का जो है चिपसेट देखने को मिला था, और यही चिपसेट आपको जो है Realme 7 Pro में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस डिवाइस की प्राइस इतनी ज़बरदस्त रखी गई है, इतनी बजटेबल रखी गई है कि कोई भी बंदा जो एक बजट सेगमेंट का डिवाइस जो है परचेज करना चाहता है वो इसको खरीद सकता है। एंड यहाँ पर जो आपको चिपसेट दिया गया है वो स्नैपड्रैगन 720G का, जो कि 8 नैनोमीटर पर जो है फैब्रिकेटेड किए गए हैं, और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर स्पीड देखने को मिल रही है 2.3 GHz ऑक्टाकोर की प्रोसेसर स्पीड यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन के मेन फीचर में आ जाते हैं। तो एक तो मैंने मेन फीचर आपको बता दिया इसका बैटरी का, और यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस के एक्स्ट्रा फीचर्स की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है वो स्मार्टफोन का कैमरा का है, जैसे कि आपको पता है 64 मेगापिक्सल का तो मेन सेंसर यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल रहा है, और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर आपको देखने को मिल रहा है। अब बैक कैमरा में दोस्तों आप जो है 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जायरो का ऑप्शन भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक खास बात वही ये लगी है कि 60 FPS रिकॉर्डिंग के बजाय यहाँ पर आपको जो है 120 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो भी देखने को मिल रही है, जो कि आई थिंक ये काफी अच्छा फीचर स्मार्टफोन में इंक्लूड किया गया है कि 60 FPS से भी डबल करके यहाँ पर आपको जो है 120 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर जो है वो देखने को मिल रहा है। और आज दोस्तों स्मार्टफोन के दो वेरिएंट हैं, 6 GB RAM एंड 8 GB RAM, और जो मेमोरी है वो 128 GB की है। तो यहाँ पर आपको जो है 6 GB RAM एंड 128 GB मेमोरी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 8 GB RAM वाला वेरिएंट भी है। और आज दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइस क्या होने वाली है, तो Realme ने जो है प्राइस काफी बजटेबल रखी है मैं समझता हूँ फीचर्स के हिसाब से। तो यहाँ पर Realme ने जो है प्राइस स्मार्टफोन की काफी ज्यादा बजटेबल रखी है। मिड सेगमेंट के अंदर दोस्तों मिड बजट के अंदर ये स्मार्टफोन जो है काफी ज्यादा अच्छा है, इसके फीचर्स काफी अच्छे हैं। 45,000 रुपए के बजट में ये डिवाइस जो है आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन मार्केट की हम बात करें तो यही डिवाइस जो है आपको 43,000 से 45,000 रुपए के बजट के अंदर में जो है देखने को मिल जाएगा, यानी जिसे हम डिस्काउंट प्राइस कहते हैं। और आज दोस्तों डिवाइस आपको कैसा लगा आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस डिवाइस का आप जरूर वेट करें। अगर आप मिड रेंज के अंदर कोई स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो Realme 7 Pro का जो है आप वेट कर सकते हैं। हो सकता है हम इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग भी जल्दी इस चैनल पर लेकर आए। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।